नमस्ते, मैं पंकज हूं और वैसे तो पेशे से अभिनेता हूं, पर बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग बिहार का, उसका स्टेट आइकन हूं। मतदाता जागरूकता के लिए समय समय पर प्रचार प्रसार ऑन ग्राउंड भी और वीडियो ऑडियो के माध्यम से भी करते रहता हूं और स्वयं एक जागरूक मतदाता हूं, नागरिक हूं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी मतदान से केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। और आज खुशकिस्मत हूँ, सौभाग्य मिला है कि हम बैठे हैं और एक बातचीत कर रहे हैं, जिनमें कुछ मेरे भी प्रश्न हो सकते हैं जो मुझे मेरे मन में आते हैं या कई बार जो हम इधर उधर सुनते भी हैं। सो माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारत राजीव कुमार जी हमारे सामने बैठे हैं। मैं सर ही बोलूँगा, मुझसे एक बार राजीव जी जी बोलना में बोलने भी परेशानी होगी। तो सर, मैं अब जब 18 वर्ष का था, हम स्टेज पे पिछली बात में बता रहे थे कि जब पहला मतदान का अवसर मिला तो कितना कैसा अनु कैसी अनुभूति थी। एक तो सम्मान कि जो भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरा मैनिफेस्टो, मेरा घोषणा पत्र ये है, समझो। बैलेट पेपर का ज़माना था, उस समय बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे और आज हम ईवीएम तक पहुंच गए हैं और बहुत बदलाव हुआ है। मैं आज बिल्कुल 16 करोड़, पहले चुनाव में 16 या 17 करोड़ मतदाता थे, अब 95 करोड़ पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि हम स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 साल 10 साल में कभी, मतलब एक मिलते हैं कभी गोल्ड मेडल, या इंडिया ने क्रिकेट में 2-3 वर्ल्ड कप जीते होंगे। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर 5 साल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है और अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद आयोग ही तोड़ता है। तो ये जो ईवीएम से लेके, मतलब बैलेट पेपर से लेके ईवीएम तक और यहाँ तक की यात्रा है, तो हम तो बाहर से देखते हैं, मैं भी बतौर मतदाता, पर आप इस पर कुछ प्रकाश डालें, ये जर्नी, ये यात्रा कैसी रही है आयोग के लिए, या इसमें क्या चुनौतियाँ होती हैं? धन्यवाद पंकज जी। मेरे लिए भी बहुत खुशी का मौका है कि मैं आपके साथ ये वार्ता कर रहा हूँ आज। और उससे पहले आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आप जो ये जागरूक मतदाता की एक भूमिका निभाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और हमें इससे बहुत ही लाभ मिलता है। वोटर्स को आपके साथ में एक ऐसा संवाद है कि वो आपकी बात को बहुत आसानी से समझते भी हैं और रिलेट भी कर पाते हैं, और ये भी समझते हैं आप हमारे साथ बिना किसी इंटरेस्ट के काम करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो ये समझें कि आप किसी कारणवश हमारे साथ ये बात बोल रहे हैं। तो जो आपने मशीन का प्रश्न पूछा है, ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है और पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए एक ये सौभाग्य की और प्राइड की बात होनी चाहिए। आप देखिए, 95 करोड़ मतदाता हैं और इसमें यंग भी हैं। विविधता कितनी है ये देखिए आप, इसमें यंग हैं, मिडिल एज्ड हैं, 80+ हैं, 100+ हैं। 100+ है, आप देखिए, बुजुर्ग लोग हैं हमारे 100+, 2.5 लाख के दो लाख अस्सी करीब हजार 100+ शतायु मतदाता हैं, मतदाता, और उसमें से बहुत से मतदाता हैं जिन्होंने हमेशा वोट डाला है। तो उन्होंने पूरी जर्नी देखी है, वो आप जैसे बैलेट पेपर वाली जर्नी भी देखी है और ईवीएम वाली जर्नी भी देखी है। तो ये जो जर्नी है, इसमें ईवीएम के ऊपर में सुविधाजनक लोग वोट देकर, और बहुत बार लोगों ने शंकाएं जाहिर की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पूरे प्रोसेस में राजनीतिक दल और कैंडिडेट्स, उनके समक्ष सारी प्रक्रिया होती है। तो मतलब टेक्नोलॉजिकल जो एक साउंडनेस है वो तो अपनी जगह है, वो तो है ही है, मशीन किसी से बात नहीं कर सकती, वो सब तो है। उसके अतिरिक्त हर टेक्नी, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर कैंडिडेट इसको हर स्टेज पे देखता है। यानी जब गोडाउन से बाहर निकाली जाती है तब, जब गोडाउन में बंद होती है तब, जब इसमें मॉक पोल होता है, जब जब सिंबल भरे जाते हैं तब, जब लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लेके जाते हैं तब। अच्छा, इसमें एक रैंडमाइजेशन होता है, यानी कौन सी मशीन कहाँ जाएगी ये पहले तक पता नहीं होता। हाँ, ये मशीन को भी पता नहीं ये है कि मशीन मैं को भी किस पता बूथ नहीं है पे जाऊंगी। किस बूथ पे जाऊंगी, वहाँ कौन सा सिंबल उसमें लगेगा। सो ये सब बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है जी, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार इसको देखा है, बाकी लोगों ने भी देखा है, तो अब तो ये कोई विषय नहीं है। हाँ, इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है कि वो कुछ कोई प्रत्याशी अगर हार जाता है तो अपनी खीज या हार का ठीकड़ा कुछ एक फोड़ने का माध्यम चाहिए, तो चलो मशीन पे ही आरोप लगा दो। होता है ऐसा, जैसे जब कभी कुश्ती होती है और हाँ हार जाओ तो रेफरी को ही मार देते हो, हाँ कि और वो वही वाली बात है कि कि रेफरी ने सही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो वोटर को बताना है कि हम किसी की वजह से हार गए। अगर रेफरी हाँ ठीक होते,
एम्पायर ठीक होते। अभी पिछले दिनों के महिला क्रिकेट में एक प्लेयर ने वो रन आउट किया था, मतलब वो क्रीज से बाहर चली गई थी, तो बड़े उस पर चर्चा पर चर्चा हो रही थी, पिछले हफ्ते की बात है। भारतीय महिला टीम इंग्लैंड में खेल रही थी अच्छा, तब हम तो की। क्रीज से भी बाहर नहीं जा सकते, हाँ हमें तो रहना भी क्रीज में ही है, जी और क्रीज में रहते हुए सही रिजल्ट देते हुए भी लोगों को हारने वाले कहते हैं, ठीक है, बट लोग समझते हैं, लोग सब समझते हैं इस बात को। एक और जब जैसे हम लोग मतदाता का मैं पिछले दिनों वीडियो बनाया था 6-8 महीने पहले, कि पहले साल में एक बार नए मतदाता को हम ऐड करते थे जनवरी 1 को, जो 18 जी वर्ष का हो जी गया। अब वो आयोग ने बहुत सारे बदलाव के साथ 4 मौके दिए जी हैं, वो अलग अलग 4 तारीख है, 1 जनवरी में हर क्वार्टर का पहला दिन। जी ये तो अच्छा है इस प्रयास से, और चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऐप आ गया है या वोटर पोर्टल है, जी वेबसाइट है, वहाँ से जी भी लॉगिन करना या जो मतदाता बनाना आसान हो चुका है। लेकिन एक समस्या जो मैं भी देखता हूँ, और शहरों में थोड़ी ज़्यादा है, गाँवों में कम है, कि गाँव का मतदाता फिर भी ज़्यादा जागरूक है। बिल्कुल जागरूक है। वो मतदान के दिन जाता है और जोशो खरोश में जाता है और वोट करता है, लेकिन शहरी मतदाता कई बार उसको छुट्टी मान लेते हैं, और यूथ में खास करके नौजवान, उनको लगता है हमारे बिल्कुल एक वोट से क्या बनेगा बिगड़ेगा। बिल्कुल तो ऐसा क्या अवेयरनेस आयोग या आपके द्वारा किया जाए, लाया जाए, कि उस मतदाता को भी हम ये एहसास दिलाएं कि ये वीकेंड नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मनानी है, ये इसका सदुपयोग करना है। देखिए, अभी इंडिया में कंपलसरी वोटिंग तो है नहीं, हाँ तो हम उसको जिद तो कर नहीं सकते कि आपको आना ही आना है। अनुरोध कर सकते हैं, मुरव्बत कर सकते हैं, उसका उसको अवेयर कर समझा सकते सकते हैं, हैं, अवेयर अवेयर कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो जैसे आपने कहा, देहात में लोगों की ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें होनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, स्कूल ठीक होना है, हॉस्पिटल बनना है, तो लोगों की जागरूकता ज़्यादा है, और कौन सी गवर्नमेंट आए, कौन प्रतिनिधि हो, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। इंटरेस्ट ज्यादा। अच्छा, जैसे अब रेडियो, टीवी, पान की दुकान, चौपाल, उस पर बैठ के तस्करा भी ज़्यादा होता है। ये हमारी जीवन शैली है कि मतलब गांव में एक बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी सब इज्जत करते हैं, बात सुन लेते हैं, सुन लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सो एक नेचुरल भी है हमारे साथ। शहरों में थोड़ा क्या हो गया कि अर्बन अपैथी है वोटिंग के प्रति। अगर हम पिछले सबसे नीचे के 10-15 शहर ऐसे देखें जहाँ वोटिंग सबसे कम हुई है, तो नाम लेना ठीक नहीं है, बट ऐसे ऐसी जगहें आएंगी जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, मतलब कंट्री की इकोनॉमिक पावर हाउस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या बहुत बड़े कैपिटल मार्केट्स की जगहें हैं, आएंगी ऐसी जगह। तो ये वही बात है, लोग उसको छुट्टी मानते हैं। छुट्टी तो मानते हमने हैं। अभी एक प्रयास किया है कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में छुट्टी मिलती है, तो वो वोट देने के लिए मिलती है, तो ये थोड़ी है कि वो आप छुट्टी ही चले जाएंगे। तो उनके लिए कहा जा रहा है सबको, ऑर्गेनाइजेशंस को जिनमें 500 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, कि आप उनकी थोड़ी सूची तैयार करिए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कुछ करेंगे, लेकिन उनको एक क्लब बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, करेंगे भाई कि जानो, हाँ पहुंचिए। इसी क्रम में उनके साथियों को पता भी लगेगा कि ये लोग वोट देने नहीं गए थे, तो पीयर प्रेशर भी होगा। तो ये मुद्दा तो है ज़रूर, अर्बन अपैथी का भी मुद्दा है और यूथ का भी मुद्दा है। यूथ का भी हाँ, मतलब इंटरनेट पे बहुत वोकल रहेगा, कई बार ये हैशटैग ट्रेंड तुरंत अपनी राय रख देंगे, हाँ सपोर्ट में, विरोध में, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो। मुझे लगता है जब इस प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे अपनी राय रखने में एक्टिव हो, तो मतदान के दिन असली राय तो उस दिन बनेगी ना, असली उस दिन बनेगी, कि आप सहभागी नहीं भी होगे तो परसेंटेज कम होगा, सरकार तो कोई ना कोई बन ही बनेगी, जाएगी, लेकिन अगर सरकार खराब बनती है तो उसमें आपका भी योगदान है, आपका उसको खराब बनाने में योगदान बनाने है। में योगदान है। आप जो सही चाहते हो वो वोट दे के बनाओ, बनाओ। और रात भर बैठ के अगर आप सोशल मीडिया कर सकते हो, वहाँ राय दे सकते हो अपनी हर विषय पर, मोमबत्ती बहुत जला देते हैं लोग, एक हाँ वो अंगूठा थम्स अप बना हम दिया सब कि वी आर विद यू, तो वही बटन भी दबा दो जाके, हाँ, इतनी सी बात है। वो लगता है ना वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, उसकी ये भी व्यवस्था तो कर रहे हैं हम, जी उसकी भी कुछ जगहों में व्यवस्था कर रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी से माध्यम बना रहे हैं कि हम बूथ पर कितनी क्यू है, इसका भी रिले करें। ओ अभी शुरू करने का प्रयास है, एक दो प्रयास स्टेट है। में किया था, एक बूथ ऐप बनाया था, तो यू कैन प्लान योर विजिट ऑल्सो टू द बूथ, दैट हाँ ऑल्सो वी आर थिंकिंग। वाह बहुत तो अच्छा मतलब है। टेक्नोलॉजी से यूथ को तो पूरी तरह से जोड़ दें, यानी आप घर में बैठ के वोट बनाओ, घर में बैठकर ही शिकायत करो,
घर में बैठ के ही आप लाइन देख लो, ये सब चीज़ ये करने सब लग चीज़ें हैं। गए। वो जैसे आपने बोला कि ग्रामीण मतदाता को ना कि वो अवेयरनेस है, क्योंकि उसके जीवन में स्कूल, अस्पताल, सड़क, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या होती है। तो मैं कई बार, मैं स्वयं अपनी जर्नी देखता हूँ सर, तो मुझे भी महसूस होता है मैं क्यों अवेयर हूँ। मुंबई में हूँ, रहता हूँ, सिनेमा के लिए काम करता हूँ, और मुझे क्यों लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का परोक्ष अपरोक्ष रूप से मेरी करेक्ट, स्वयं की जर्नी में बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है, मैं इंटायर लाइफ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइमरी से लेके और हायर एडुकेशन, इवन NSD तक दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से वो लोकतांत्रिक ढांचे का ही इम्पैक्ट था कि एक रूरल इंडिया का लड़का अभिनेता बन सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यार उस ढांचे को या उस प्रोसेस को और सशक्त हमें करना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे फायदे स्वयं महसूस किए हैं, बिल्कुल देखे हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ एक पिछले इसमें एक चीज़ मैं आपको जोड़ूं, हर बड़े शहर में भी दो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ गांव भी है और शहर भी है। शहर भी है। हाँ, मतलब गांव, हर बड़े शहर में एक गांव है, एक गांव है। उस गांव की एक पहचान है, लोग आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा, मैं भी ऐसे ही स्कूल से पढ़ा हुआ, जी मैंने भी 12वीं तक ऐसे ही प्राइमरी स्कूल से, सरकारी से ही पढ़ा है। तो वो जो गांव की जो एक फीलिंग है, जो सशक्त बनाने के लिए डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ती है, वो एक बिल्कुल एक मतलब आपके अंतरंग में घुस जाती है। हाँ, वो स्वाभाविक है। तो वो लोग जो वहाँ से, उस बैकग्राउंड से शहर में आके रह रहे हैं, वो वोट देने जरूर जाते हैं, हाँ, उनको उसका फायदा नफा नुकसान दिखता पता है। है। ये उन्हीं के साथ है जिन्होंने शायद वो उस तरीके का अभाव या उस तरीके की माध्यम इसको सशक्त नहीं समझा है। नहीं समझा है। तो समझाएंगे उनको, अब आप जैसे आज कह रहे हैं उनसे, तो आपके कहने की तो लोग सब बात मान लेते हैं। हाँ, प्रयास में वही, मैं भी जो जब भी कोई आयोग से आता है कि भैया इस ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वीडियो बनाना है, तो मैं खुद बढ़ चढ़ के, और उसको मुझे लगता है कि करना चाहिए। ये मेरे मेरे लिए ये मेरे लिए सच में जेन्युइनली कि ये जिम्मेदारी है। एक आम मतदाता था मैं भी, और अब सिनेमा में आ गया, और तो मैं लड़कों को, नौजवानों को इसके प्रति जागरूक करूं और सही मामले में समझाएं, क्योंकि जो स्वाधीनता हम महसूस करते हैं, जब तक मतदाता सशक्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र सशक्त बिल्कुल नहीं हो बात, सकता बिल्कुल है। सही बात है। और हम कुछ आज ही बात कर रहे थे कि 95 करोड़, मतलब यूरोप की आबादी से ज़्यादा तो हमारे यहाँ सर, पूरी मतदाता आबादी हैं, से ज़्यादा, पूरी आबादी से ज़्यादा और उसमें से 67% पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो मतलब इट्स ए ह्यूज नंबर। बहुत बहुत और जब आप देखेंगे तो आज ये व्यवस्था पक्की है, आप वोटर में नाम जुड़वाना चाहेंगे तो नाम आपका जुड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, ये तो बात पक्की है। हाँ, आप वोट देने जाना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं रोक नहीं सकता, सकता। ये बात पक्की है। आपके ऊपर है वोटर के वो कोई प्रलोभन में ना आए, लेकिन अगर वोट देने जाना है तो वो जाएंगे। पूरे कंट्री में ये व्यवस्था अब ये हो गई, व्यवस्था हो गई। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई जबरदस्ती जोर करके वोट डालने जाने ना दे पाए। ना दे पाए। हाँ, ये संभव नहीं। और अब तो हम CCTV कैमरे लगाते हैं बूथ पर, उसमें घड़ी घड़ी का वहाँ का 50% से ज़्यादा हम वो लगाते हैं उसमें CCTV कैमरा, CCTV। तो यानी हमें ये भी पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, और रोकने की किसी की हिम्मत तो नहीं हो सकता, कोई वोटर ना बन पाए ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर कोई ज़बरदस्ती डुप्लीकेट नाम घुसा दे वोटर लिस्ट वोटर में, लिस्ट में। वो भी सबके पास वोटर लिस्ट को हम पब्लिश करते हैं, बूथ पे पब्लिश करते हैं, सर्वे के दौरान पब्लिश करते हैं, नाम कटवा दो भाई। हाँ, तो जागरूकता अगर और है, वो वोटर लिस्ट तो वो जितने मतदाता खड़े हैं उन सबके पोलिंग एजेंट के हाथ में, और हाथ वो में है, स्थानीय गांव के लोग हैं, स्थानीय गांव के लोग हैं। तो उनको तो मालूम है कि भैया ये 4 नाम गलत अच्छा, हैं, 20 लोग तो मिलीभगत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब एक दो कर सकता है, हाँ 15-20 लोग कैसे मिलीभगत करेंगे, और हर समय में उनका एजेंट उपलब्ध है। हाँ वहाँ बूथ पे। सो ये लोग कुछ भी कहें, मतलब ऑलमोस्ट एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें पारदर्शिता, फेयरनेस, सबकी शामिल होने का तरीका, ये बहुत बहुत पक्का है। जी जी और नहीं तो विश्वास नहीं होता लोगों को, हाँ नहीं तो हाँ सत्ता परिवर्तन ऐसे थोड़ी होता। ऐसे नहीं अगर होते। आप किसी के मन में पब्लिक के विश्वास नहीं होता, और इतनी बड़ी लोकतंत्र में, इतने बड़े विविधता के देश में, इतने बड़े विविध, आप ये देखिए, कहीं अगर एक वोट होता है तो हम उसको वोट को एक को लेने 10 लोगों को भेजते दस हैं। लोगों को गिर जंगल का मैं डॉक्यूमेंट्री हाँ, देख रहा देख रहे था, थे वही वाला, वो एक वोट है टापू एक पर वोट है गिर में। और उसको हम लेने भेजते हैं। हाँ, इनफैक्ट हमने इस पे एक फिल्म की थी न्यूटन नाम की, 2017 में इंडिया से ऑस्कर भी गई थी,
जो 70 वोटर हैं उनके लिए बूथ लग चुनाव का समय है उसी पे पूरी कहानी थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग, उस दरमियान हमको काफ़ी रिसर्च करने में, मुझे भी ये इलेक्ट्रल प्रोसेस के बारे में जानकारी समझ में बहुत आया, मिला रोबस्ट इस। लगा आपको? अरे सर मतलब पूछिए मत, अद्भुत। वो वहाँ भी चॉपर से एक पोलिंग बूथ पार्टी जाती है क्योंकि रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, उतर के वहाँ से पैदल जाना है उनको 15 किलोमीटर फॉरेस्ट में, क्योंकि अब वहाँ सड़क गाड़ी जाने का भी नहीं है, तो हिल एरियाज में। हिल हमारा एरिया में हाईएस्ट बूथ हमारे पास है जी दुनिया का गाजा में, हाईएस्ट दुनिया बूथ। का लोकतंत्र सबसे बड़ा है, कैंडिडेट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से कंटेस्ट करते हैं, एक जगह में तो 250 कैंडिडेट कभी कंटेस्ट कर लिए एक बूथ से। एक सो इतनी जीवंतता है, और डेमोक्रेसी जो है ना वो घर घर में एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ एक्चुअली वे ऑफ लाइफ है, पार्टिसिपेट करते हैं लोग हर स्टेज पे, स्कूल में है मॉनिटर बना के आप उससे काम करते हो, काम करते हैं। कॉलेजेस में है, हाँ RWA में है, जी जी आप जी और हाँ अपनी हाँ कॉलोनी में आप किसको अध्यक्ष बनाएं किसको ना किसको बनाएं सेक्रेटरी बनाएं और कौन सी कमेटी अच्छी और नहीं है कब अगले साल हटाएंगे इसको और भंग कितनी करो। शिकायत करेंगे, तो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल घर हाँ उसमें वो रग हमारे बसी जीवन हुई में, है, जीवन में, बसी जीवन हुई में है। है। अच्छा आधार कार्ड को स्वैच्छिक करने का एक कार्यक्रम आया है जो पिछले दिनों मैं भी उसके लिए वीडियो बना रहा था, तो थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें कि वो क्या डुप्लीकेशन ना हो वोटर में या। देखिए पहली बात तो ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, कानून में चेंज हुआ पिछली बार, तो वोटर लिस्ट में आधार का नंबर स्वेच्छा से आप लिंक कराते हैं। तो इसके दो तीन पक्ष हैं, पहला पक्ष तो यह है कि हम आपको बहुत सारी सुविधाएं जो वोटर्स की सुविधाओं से रिलेटेड है वो दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं बट इससे और बेहतर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करा दें, आधार अपडेट करा दें, तो यानी स्वीप की एक्टिविटी है, वोटर डे पे स्लिप है आपको, जो वोटर स्लिप है या फिल्म्स हैं, या जैसे आपसे बात हो रही है ये बात उनको भेजनी है, भेजनी है तो सीधे मतदाता सो तक। सीधे मतदाता तक पहुंचेगी और ये डाटाबेस को हम रोबस्ट कर रहे हैं। दूसरे ये ऑटोमेटिक, आप जब एक जगह फॉर्म भरते हैं दूसरी जगह के लिए हटाने के लिए भरते हैं, वो हट नहीं पाता तो वो भी एक कारण है कि इसको हाँ मदद कि एक करेगा, आधार पे तीन और उससे हमें जगह व्यवस्था में उतनी फोर्सेस उतने एम्प्लॉयज उतने वो सब लगाने कम पड़ेंगे, अगर एक बूथ पर से मतलब अगर रेशनलाइज हो जाए पूरा, डुप्लीकेट हट जाए तो इससे बहुत बड़ा लाभ, लेकिन फिर भी ये 100% स्वैच्छिक है, जी। फोर्स नहीं है। लास्ट में मैंने चुनाव में ये बहुत अच्छी चीज़ है, आज आपके ही बातचीत से मुझे मालूम चला कि थर्ड जेंडर के लिए भी कर रहे हैं, तो ये उन तो ये इसके बारे में बताया, ये बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे इतना अच्छा मुझे लगा भी है, बहुत, इवन आइकन भी बन रहे हैं वो लोग हाँ मुझे भी मतलब अवेयरनेस के ये लिए। मुझे इतना इससे वो सुखद अनुभूति होती है। देखिए किसकी क्या प्रकृति होगी क्या स्वरूप होगा ये तो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, नहीं। उसको एक सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए, तो हमने ये सोचा आयोग में कि क्यों ना हम इसी को माध्यम बना लें, हाँ तो उसको हम अगर वोटर बना लिया अपना, और उसको हमने वोटर बना के एक स्पेसिफिक फोकस दे दिया। अच्छा बहुत से लोगों से बात हुई, मेरी पर्सनली बात हुई, वो सोचते नहीं सर हम अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तो आप तो उसमें लिख दोगे TG हाँ वोटर में, और अभी बहुत सारे लोगों को हमारे घर में पता नहीं है गांव नहीं में कि हम TG हैं, तो हमने चलिए अगर आप वो चाहते हैं तो हम नहीं, लेकिन आप वोटर बन जाइए हमारे, जो आप लिखवाना चाहें वो लिखवाइए, वोटर जरूर बन जाइए, हाँ आइए जरूर। तो अभी हमारे ट्रांसजेंडर्स और PWDs ऐसी उनकी बात है, मतलब अगर कोई उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो डिसेबिलिटी की वजह से उनके बहुत से, वो हमसे ज़्यादा एबल हैं बहुत हमसे चीज़ों में, ज़्यादा अगल बहुत चीज़ों में। उनके अगर आप उनके भाव देखें उनके कोई अंतर की आवाज़ सुने तो वो बहुत हमसे भी सशक्त हैं, तो उन पर भी हम उतना ही ध्यान दे रहे हैं। हमारे 80+ की आबादी है जो चल के तो बूथ तक नहीं जा नहीं आ सकते, सकते उनको भी हम उतनी बुजुर्ग। आवाज़ दे रहे हैं, 100 वर्ष से ऊपर के भी हैं। सो अगर आप एक वोटर हैं तो, अगर आप पहाड़ पे रह रहे हैं नहीं आ सकते तो, अगर आप किसी टापू पे रह रहे हैं नहीं जा सकते तो, ये बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पिताजी 98 के हैं और पिछले इलेक्शन तक वो बूथ तक मेरे घर से 400-500 मीटर दूर होगा बूथ पंचायत भवन पे जाते थे, लेकिन अब उनको अब सपोर्ट के साथ भी जाना मुश्किल है, थोड़ा वो घर में ही अभी भी वॉक करते हैं बट अपने कमरे से टॉयलेट तक आना जाना होता है क्योंकि 98 के हो चुके हैं। तो पिछली बार स्वयं उनका जो BLO आए थे उन्होंने इंक्वायरी किया कि हाँ चलने में सक्षम नहीं है,
और बैलेट पेपर पे घर से उनका लिया लिया क्या बात तो, और ये उस दिन उनका फिजियोथेरेपी हो रहा था, घुटने में दिक्कत थी, नहीं जा रहे थे। कहाँ रहते हैं अभी? गांव में, साथ या गांव में? गांव में नहीं, गोपालगंज, गांव गोपालगंज में। हाँ, उनको मुंबई पसंद नहीं है, वो लोग बॉम्बे बोलते हैं, हमें भेज दो वहीं, वहीं भेज दो। तो पूरा जीवन वहाँ गुजरा है, खेत है, गाय हैं। तो उनका फिजियोथेरेपिस्ट उनके घुटने के लिए वो कुछ कसरत कराने आए थे और थोड़ा सा सेकाई वेकाई करने, तो वो देखे बोले कि ये सुविधा है क्या? तो बोल हम बोले हाँ ये है, और ये हमें भी उसके कुछ 6-8 महीने पहले आयोग में जुड़ने के बाद पता चला कि जो शारीरिक ये रूप से जो अक्षम 2020 बुजुर्ग में हैं, चुनाव हुआ था, 20 वाले चुनाव में जी, लगाया तो पिताजी ने घर से बैलेट पे मतलब उसी पे किया था, हाँ वोट दिया। लेकिन खुशकिस्मत है आपकी, जो पिताजी का साया आपके साथ है। हाँ जी जी तो मेरे जी पिताजी भी साथ ही रहते हैं, ओ वो भी वाह, 93 हैं। अरे वाह, वो तो खुद ही गए चल के हाँ लास्ट इलेक्शन तक, कहते लास्ट इलेक्शन तक। तो मैं नहीं मैं घर पे नहीं बुलाऊंगा, जाऊंगा। वहाँ बहुत आनंद आता है जाने में। मेरे यहाँ मुझे याद है, मेरे हमारे बचपन में चुनाव में औरतें बैलगाड़ी से गाना गाते बैलगाड़ी हुए में आती जाती थीं, थी, समूह में गीत गाते हुए, वो गीत गीत होती थी आज़ादी का गीत, मैं सुना हूँ। मैं मुझे सुने लगा हो, ये तो बोले ये उत्सव है, उत्सव बूथ है। तक आते। हमारे यहाँ उस समय तक चुनाव बूथ से 100-200 मीटर दूर अचानक उस दिन चाय पकौड़ी के दुकान खुल खुल जाते जाती थे, थी हाँ उस क्योंकि आज दिन, यहाँ पे 500-600 हज़ार लोग इकट्ठे होने वाले हैं। खुल तो जाएगी। जो चहल पहल होता है सच में, वो उत्सव का माहौल हो जाता है, लगता है कोई त्यौहार चल रहा है। बिल्कुल, तो लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार ही है। बड़ा त्यौहार है और उसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और आप इस सब को फैला रहे हैं पंकज जी, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे वेरी मच। कभी भी आप याद करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, मैं पूरा ईमानदारी पूर्वक नहीं, आप निर्वाह तो करने उसके का बिना भी प्रयास करते करूंगा। रहते हैं, आप तो उसके जी बिना भी करते जी रहते धन्यवाद हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, सर, अच्छा धन्यवाद, लगा। धन्यवाद।